हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सो अभी तक हम लोगों ने पाइथन का ओवरव्यू अच्छे से ले लिया टोकन्स के बारे में हमने देखा डेप में ऑपरेटर्स के बारे में देखा जिनसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे लिटल्स वैल्यू डेटा टाइप्स हमने सब टाइप के देख लिए इनपुट आउटपुट प्रिंट कमेंट्स एल एन आर वैल्यू सारी बेसिक चीज़ों को हमने ओवरव्यू ले लिया हम डेप में देख लिया है तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे उन पर वर्क करना थ्रू फ्यू एक्सरसाइजेस तो एक्सरसाइज आज हम लोग ये सारी करेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन डायमेंशंस फाइंड एरिया एंड पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टैंगल तो ये तो सबको पता है रेक्टैंगल का एरिया होता है एल इंटू बी तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है एंड पैरीमीटर टू इंटू एल प्लस बी तो वो पाइथन में आप कैसे करोगे तो गिवन डायमेंशंस तो डायमेंशन तो आपको दिया हुआ है या फिर आप यूज़र से ले सकते हो तो so, इन सबको हम यूजिंग पाइथन की कमांड्स हम करेंगे तो लेट स्टार्ट तो रेक्टैंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले पहले लेंथ और एन ब्रेथ यूजर से ले लेंगे तो आप दो वेरिएबल बना लीजिए एल करके एन बी करके तो एल इक्वल टू इनपुट हम ले लेते हैं वैल्यू इनपुट यहाँ पे एक मैसेज दिखा देते हैं एंटर लेंथ तो लेंथ करके हमने मैसेज दिखा दिया लेकिन एक चीज़ मैंने बताया था जब इनपुट लेते हो आप तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है तो स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है तो उस पर हम न्यूमेरिक एरेथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे तो उस पर ऑपरेशन कर पाए तो इसलिए हम लोग उसको इंट या फ्लोट में लेंगे तो लेंथ हमारा पॉइंट में हो सकता है तो पॉइंट में होगा लेंथ तो हम लोग उसको फ्लोट में लेते हैं इंस्टेड ऑफ इंट तो आगे हम फ्लोट फंक्शन लगा देते हैं कि जो वैल्यू हम डालेंगे वो फ्लोट में कन्वर्ट होकर एल में स्टोर हो जाएगी एल करके जो वेरिएबल है लेंथ तो एफ एल ओ ए टी फ्लोट तो फ्लोट के राउंड ब्रैकेट्स में हम इनपुट को दे देंगे तो ये लाइन से हम लोगों का लेंथ एल वेरिएबल में आपका लेंथ आ जाएगा जो भी आप एंटर करोगे तो उसको देखते हैं अभी बी इक्वल टू इसमें हम ब्रेथ या विर्थ ले लेंगे तो सेम वे में फ्लोट क्योंकि आपकी वैल्यूज पॉइंट में हो सकती है इनपुट आप मैसेज दिखा दीजिए एंटर ब्रेथ या फिर हम लोग बोलते हैं विर्थ तो ये दो लाइन से हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ ले लेंगे और सिंपली हमें अब एरिया फाइंड करना है एंड पैरीमीटर फाइंड करना है तो एरिया के लिए एक वेरिएबल बना लिया हम लोगों ने तो एरिया इक्वल टू तो सिंपली एल स्टार बी तो इतने लाइन से हमारा हो जाएगा ऑपरेशन एंड पैरीमीटर इक्वल टू टू इन टू तो टू टू तो एन टू के लिए स्टार है आपका और स्टार में एल प्लस डब्ल्यू आपने डब्ल्यू में लिया है लेंथ एंड बेथ तो यहाँ पे हमारा एरिया एंड पैरीमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया तो जो बीच हमने एक ब्लैंक लाइन छोड़ी है तो वाइट स्पेसेस है तो वाइट स्पेसेस आर अलाउड आप कितना भी लाइनें छोड़ सकते हो तो यहाँ पे हमने एरिया और पैरामीटर में आपने फार्मूला लगा के आपने कैलकुलेट कर लिया इनिशियली वैल्यू ली फार्मूला के आपने वैल्यू कैलकुलेट किया एरिया एंड पैरीमीटर वेरिएबल में आपकी वैल्यू स्टोर हो गई नेक्स्ट आप करोगे उसको आउटपुट डिस्प्ले दिखाना है तो सिंपली आप प्रिंट कमांड से कर सकते हैं एरिया इक्वल टू एंड ओ तो यहाँ पे हमने एरिया वेरिएबल दिखा दिया कॉमा पेरीमीटर तो यहाँ पे अगर इसको हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा तो रन करते एक बार तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है लेंथ को आप इनपुट करिए तो लेंथ को हम डाल देते हैं टेन एंड बर्थ हम डाल देते हैं फाइव तो हमारा एरिया हो गया टेन इंटू फाइव फिफ्टी एंड हमारा पेरीमीटर हो गया टू इंटू uh, लेंथ प्लस वेड्थ विच इज़ थर्टी तो यहाँ पे हमारे एकदम सिंपल दो वैल्यूज आ गया जिसको और अच्छे से आप कैसे दिखाओगे तो आप एक मैसेज आगे टाइप कर सकते हो आपने मैसेज कर दिया जैसे एरिया इक्वल टू और यहाँ पे आप दिखा दोगे कॉमा डाल के अपने एरिया वेरिएबल तो जो ये पहला वैल्यू है ये क्या है एक स्ट्रिंग है तो एक मैसेज है ये एज इट इज़ दिख जाएगा आपको और कॉमा नेक्स्ट आपका ये क्या है एरिया वेरिएबल तो इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है जो आपने कैलकुलेट किया वो आपको दिखेगी सेम वे में हम कर लेते हैं पेरीमीटर इक्वल टू कॉमा यहाँ पे हमने डाल दिया पेरीमीटर तो इसको भी आप रन करोगे तो आपको एकदम अच्छे से मैसेज के फॉर्म में दिख जाएगा सेम वे में हम लेंथ डाल देते हैं अभी लेंथ डाल दिया टेन एंड विथ डाल देते हैं एट तो आपको एरिया दिख गया एरिया इक्वल टू एट्टी पॉइंट जीरो पैरीमीटर इक्वल टू थर्टी सिक्स पॉइंट जीरो तो इसमें आप पॉइंट में भी वैल्यूज डाल सकते हो फ्लोट में आप इनपुट लोगे तो वो प्रॉपरली आपका कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐसे हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम देख लिया कैलकुलेटिंग एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेटाइंगल तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गिवन डायमेंशंस सेकेंड वाला गिवन डायमेंशंस फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल तो यहाँ पर आप पॉज कर लो वीडियो और उसके बाद आप सोच के आप ट्राई करो और मैं यहाँ पर अभी फिर कंटिन्यू करता हूँ तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा रेडियस चाहिए रहेगा तो हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए यूज़र से तो यहाँ पर हम एक डाल देते रेडियस एंटर एंटर रेडियस सेकेंड वाला हमें नहीं चाहिए इसको हम रीनेम कर देते एल की जगह आर आर या फिर आप पूरा रेडियस भी लिख सकते हैं पूरा लिख लेते हैं नेक्स्ट पैरामीटर में वेरिएबल नहीं चाहिए तो एरिया क्या होगा सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर तो पाई करके तो हमने कोई वेरिएबल वैल्यू बनाई नहीं है तो आप यहाँ पे पाई करके एक वेरिएबल बना सकते हो पाई इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर या फिर डायरेक्ट भी उसको इनपुट कर सकते थे तो पाई आर स्क्वायर तो पाई का वैल्यू है पी आई एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया इन टू रेडियस रेडियस टू टाइम्स रेडियस का स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर तो इससे हमारा एरिया कैलकुलेट हो गया तो यहां पे ये लाइन की जरूरत नहीं है तो सिर्फ इतना से आपने एक वैल्यू इनपुट किया रेडियस और उससे आपका आउटपुट आ गया इसको रन करते एक बार यहाँ पे रेडियस मांग रहा है तो हम डाल देते हैं टेन तो पाईआर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका थ्री हंड्रेड एंड फोटीन अब जितना भी यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर तो उसके हिसाब से रहेगा तो आगे आप उसके हिसाब से यूनिट भी दिखा सकते हो आपने यहाँ पर दिखा दिया कॉमा जैसे हमारी वैल्यू अगर मीटर स्क्वायर में था तो आपने दिखा दिया मीटर स्क्वायर एम एम करके दिखा दिया सेम वे हम वापस डालते हैं टेन तो आपका यहाँ पे यूनिट आप पीछे ऐड कर दिया आपने तो ये एक वेरिएबल था मैसेज नेक्स्ट दिस इज़ वेरिएबल नेक्स्ट दिस इज़ ऑल्सो सेकेंड पार्ट मैसेज थर्ड पार्ट इज मैसेज तो ऐसे आप कितना भी दिखा सकते हो प्रिंट के हमने देखा था कॉमा लगा के आप कितनी भी वैल्यू दिखा सकते हो वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू कॉमा वैल्यू थ्री और ये सारी वैल्यू अलग अलग टाइप की हो सकती है इंट फ्लोट इंटीजियर स्ट्रिंग बोलियन टपल लिस्ट कुछ भी हो सकता है तो अभी हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं तो थर्ड वाला क्वेश्चन है गिवन डाइमेंशंस फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉयड तो क्यूबॉयड में हमारा डाइमेंशंस थ्री डाइमेंशंस आर देयर लेंथ हाइट एंड विड्थ तो लेंथ विड्थ एंड हाइट तो ये तीनों का हम इनपुट लेंगे उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वॉल्यूम एंड सर्फेस एरिया फाइंड करेंगे तो आप पॉज करके ट्राई करो और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ तो यहां पे हम लोगों को पहला लेना है लेंथ तो एल में ले लेते हैं लेंथ पाई की जरूरत नहीं है एंटर एल ऐसे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लेंथ ले लिया ले लिया हाइट ले लिया यहाँ पे दिखा देते हैं एंटर डब्ल्यू एंटर एच तो आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला पहले एरिया देख वॉल्यूम देख लेते हैं वॉल्यूम करके एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया अब इसको जो भी हम असाइन करेंगे तो वॉल्यूम होगा एल इन टू डब्ल्यू इन एच तो एल स्टार डब्ल्यू स्टार एच एंड देन आपका सरफेस एरिया एस ए करके हम बना लेते हैं सरफेस एरिया इस टू इंटू एल बी प्लस और एल डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एच प्लस एच एल तो टू स्टार ब्रैकेट के अंदर हम डालेंगे एल स्टार डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्टार एच प्लस एच स्टार एल तो सिंपल है आपका ये जो भी फॉर्मूलाज है आपको सिर्फ इसमें पुट करना है वैल्यूज़ वेरिएबल के फॉर्म में आपने ले लिया एंड यहाँ पे आपने उसको कैलकुलेट कर लिया अकॉर्डिंगली सरफेस एरिया इक्वल टू एस एम एम स्क्वायर रहने देते सरफेस एरिया एंड देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा हम लोग का प्रिंट वॉल्यूम इक्वल टू कॉमा आपका वॉल्यूम का वेरिएबल कॉमा इसका यूनिट वॉल्यूम का एम 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 ट्रिपल एम हो जाएगा हो जाएगा आपका तो वॉल्यूम का आपका यूनिट ट्रिपल एम हो जाएगा वॉल्यूम क्यूब में होता है तो एक बार रन कर लेते हैं लेंथ मांग हमने टेन डाला विथ फाइव हाइट आपका है सिक्स तो आपका सरफेस एरिया टू एटी एम एम वॉल्यूम आपका आ गया थ्री हंड्रेड एम एम क्यूब एम मीटर क्यूब तो यहाँ पे आपने क्यूबॉइड का आपने फाइंड कर लिया वॉल्यूम एंड एरिया सरफेस एरिया नेक्स्ट स्पीयर का तो स्पीयर आपका राउंड फिगर रहता है बॉल जैसा तो उसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया तो यहाँ पे भी आप फॉर्मल एक बार सर्च करो और ट्राई करो खुद से नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू नाउ तो उसके लिए आपको सिर्फ रेडियस चाहिए पाई आर फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब वॉल्यूम होता है सर्फ स्पीयर का एंड सर्फेस एरिया फोर पाय आर स्क्वायर तो अकॉर्डिंग हम करेंगे फाइंड तो यहाँ पे हम आर करके ले लेते हैं एंटर रेडियस तो रेडियस ले लिया तो सर्फ वॉल्यूम के लिए हो जाएगा आपका फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब तो ब्रैकेट में फोर बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय पाए आर क्यूब तो पाए आपका है थ्री पॉइंट वन फोर तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी ले सकते हो वेरियल बनाने की जरूरत नहीं है स्टार पाई आर क्यूब तो आर आपका है स्टार थ्री टाइम्स तो ये आपका यहाँ पे सा वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया नेक्स्ट सरफेस एरिया के लिए फोर पायर स्क्वायर फोर स्टार थ्री पॉइंट वन फोर स्टार पायर स्क्वायर तो आर स्टार आर तो यहाँ पे आपका सेम वॉल्यूम एंड सर्फेस एरिया ऑफ स्पीयर यहाँ पे रन करते हैं रीडर्स आपका मांगा तो हम फाइव पॉइंट नाइन दे देते हैं लेट्स से तो आपका वॉल्यूम आ गया अकॉर्डिंगली एट फिफ्टी नाइन पॉइंट एट फाइव सरफेस एरिया फोर थर्टी सेवन पॉइंट टू वन थ्री तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पीयर का भी देख लिया नेक्स्ट हम देख लेते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन गिवन सेल्सियस कन्वर्टेड इंटू फेरानाइट तो आपको सेल्सियस दिया है डिग्री सेल्सियस उसको फेरानाइट में कन्वर्ट करना है तो आपकी नॉलेज के लिए सामने मैंने फॉर्मूला दे दिया एफ इक्वल टू सेल्सियस इंटू नाइन बाई फाइव प्लस थर्टी टू तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है तो आपको वैल्यू पुट करनी है तो इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं आप ट्राई कर करो फॉर्मूला की हेल्प से उसके बाद यहाँ पे आ, हम लोग भी ट्राई करेंगे तो सेल्सियस सी में ले लेते हैं सेल्सियस डिग्री सेल्सियस भी आपका पॉइंट में आता है तो फ्लोट में आप ले सकते हो तो सेल्सियस एंटर सेल्सियस तो आपका फेरानाइट इतना दो दो वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है फेरानाइट एफ करके बना देते हैं एफ़ इक्वल टू क्या था हमारा फार्मूला नाइन बाय फाइव नाइन बाई फाइव को ब्रैकेट में डाल देते हैं नाइन बाई फाइव इंटू आपका सेल्सियस का वैल्यू प्लस थर्टी टू तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते आउटपुट आपका फेराइट फेरेन फेराइट इक्वल टू एफ तो यहाँ पे लास्ट का दिखाने की जरूरत नहीं है तो एक बार रन करते हैं आपको सेल्सियस पूछ रहा है लेट्स से 37 डिग्री सेल्सियस तो कितना फेरानाइट होगा तो आपका 98 डिग्री फेरानाइट तो यहाँ पे आपका आउटपुट आया 98 एट तो कैसे कन्वर्ट कर सकते जैसे हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड एंड थ्री ये इसको बोलते हैं यहाँ पे इस टेम्परेचर फेरानाइट पे फीवर हो जाता है तो फीवर के लिए आप फेरानाइट टू सेल्सियस तो वो भी आप एक्सरसाइज आप ट्राई करो अगर आपको वो नहीं आ रहा तो कमेंट में आप लिखिए तो मैं सजेशन देता हूँ आपको तो एक्सरसाइज क्या आपका फेरानाइट टू सेल्सियस अभी हमने किया था सेल्सियस टू फेरानाइट तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं गिवन इंचेस कन्वर्ट इन टू फीट तो आपको इंचेस में दिया है सेवेंटी फाइव तो कितना फीट होगा टेन इंचेस कितना फ़ीट होगा तो नॉलेज के लिए वन फीट इक्वल टू ट्वेल्व इंचेस तो इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं पहले आप ट्राई करो पॉज करके देन आई विल शो तो आपको इंचेस से फीट में कन्वर्ट करना है तो आपको इनपुट क्या लेना पड़ेगा लोग यूज़र से इंचेस में तो आपको आई एक बना लेते इंचेस के लिए या फिर आई एन बना लेते हैं तो आई एन क्यों वैलिड नहीं होगा यहाँ पे एन आपका ऑपरेटर है मेम्बरशिप ऑपरेटर तो ये इट्स अ कीवर्ड मतलब ऑलरेडी प्रिजर्व रिजर्व बाय पाइथन तो ये रिज़र्व है बाय पाइथन फॉर सम स्पेशल ऑपरेशन विच इज़ मम्बरशिप ऑपरेटर तो इसको हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते तो इनके बजाय आई एन सी कर देते हैं तो अब यहाँ पे सब कलर चेंज हो गया वाइट तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो इंचेस, ये भी पॉइंट में हो सकता है तो एंटर इंचेस। तो आपका फीट क्या हो जाएगा इसको एफ ई देते हैं या एफ टी कर देते हैं फीट इक्वल टू इंचज़ डिवाइड बाय ट्वेल्व तो सिंपली इतना ही रहेगा आई एन सी डिवाइड बाय ट्वेल्व तो फीट हाउ मेनी फीट रन करते एक बार तो थर्टी इंचेस विल बी टू एंड हाफ फीट तो ऐसे हम लोगों ने एक्सरसाइज किया वाइस वर्ष आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो फीट आपको वैल्यू दिया तो इंचेस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व तो ऐसी अलग अलग आ, बेसिक मैथ्स के ऑपरेशन है जो भी आपके टेक्स्ट बुक में रहते हैं या फिर जो भी डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स है सारे आप ऐसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में वेरिएबल्स के फॉर्म में बना के उसको प्रॉपर फॉर्मूला या जो भी आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करके आउटपुट आप देख सकते हो ईजिली तो कितने भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो ऑपरेशन आप ईजिली इसमें परफॉर्म कर सकते हो और कुछ ज़्यादा ही है जैसे ट्रिग्नोमेट्री का है साइन कॉस और टैन ये सब के ऑपरेशन वो भी आप इसमें इजीली आप कर सकते हो तो साइन कॉस या ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेशन के लिए इसके लिए एक मैथ लाइब्रेरी है तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे तो उसको भी हम अच्छे से देखेंगे तो अभी के लिए आपने बेसिक ऑपरेशन कैसे करते हैं? पाइथन में वो आपने वो सीख लिया तो आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बताइए और एल्स आई विल सीन द नेक्स्ट वन थैंक्स